करते हैं वर्कशीट नंबर 6। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है, क्लास 7th की हिंदी मीडियम, सेम इसी तरह से आपकी इंग्लिश मीडियम में भी आई है। और इसी के साथ आपके नीचे देखें आप तो इंग्लिश की 7th वर्कशीट भी आई है, वर्कशीट नंबर 7 इंग्लिश की, क्योंकि आपकी मंडे को वर्कशीट नंबर 6 आ चुकी है इंग्लिश की, इसीलिए आज आपकी वर्कशीट नंबर 7 आई है इंग्लिश की। इसके अलावा आप लोग को वीडियो आसानी से मिल सके उसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें ताकि आपको वीडियो आसानी से मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं आज हम लोग। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, क्लास डाल देंगे, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसके प्रभाव क्या है, उसकी गर्मी वाले जो प्रभाव हैं वो क्या क्या हैं। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं आज। यहाँ लिखा है, स्नेहा ने देखा कि उसकी माँ ने खाना पकाने के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल किया और अपने कपड़ों की सिलवट हटाने के लिए बिजली की प्रेस यानी आयरन का इस्तेमाल किया। यानी उसने क्या देखा कि उसकी मम्मी ने यहाँ पे देखे इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल किया जिससे वो खाना पकाया। यहाँ पे ये देखे ये रखा है इलेक्ट्रिक हीटर, ये टोस्टेबल के इलेक्ट्रिक हीटर यही है यहाँ पे, इससे उन्होंने खाना पकाया। इसके बाद कपड़े करने के लिए तो प्रेस किया, ये तो आपकी मम्मी भी करती है ना। उसने सोचा कि मेरी माँ आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग क्यों करती है, यानी उसने सोचा ऐसा क्यों करती है हमारी मम्मी। फिर उसने क्या सोचा कि ये किस प्रकार कार्य करते हैं, यानी ये कार्य कैसे कर रहे हैं, मतलब ये एक प्रेस है जिसको तार से लगाते हैं, ये गर्म कैसे हो जाती है, इसका क्या रीज़न है। रवि जो स्नेह का भाई था, यानी अब रवि एक लड़का है जो उसका भाई है स्नेह का, ने बताया कि ये विद्युत द्वारा के तापीय प्रभाव के कारण होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो हीट करती है उसके कारण ये होता है। ठीक है, जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है, ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। यानी अब तापीय प्रभाव क्या कहलाता है कि जब हम उसको इलेक्ट्रिक में लगाते हैं किसी भी चीज़ को तो वो तार में आता है तो वो गर्म होने लगता है, फिर उसका प्रवाह शुरू हो जाता है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह बढ़ने लगता है, और जब वो बढ़ता है तो वो और ज़्यादा गर्म होने लगता है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। उदाहरण, जब हम गीज़र का स्विच ऑन करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आपके कुछ दिए गए हैं तापीय प्रभाव के उपयोग के, किस तरह से देखिए इलेक्ट्रिक आयरन का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर है, इस ये आपकी इलेक्ट्रिक केतली भी है आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, उसके बाद हेयर ड्रायर है, ये भी इलेक्ट्रिक से चलता है, ये भी गर्म हवा देता है। इसके बाद आपका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक रॉड होता है इलेक्ट्रिक का, जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, जिनके पास गीज़र नहीं होता है वो इस रॉड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये आपका विद्युत टोस्टर जो होता है लाइट से चलता है, इसमें ब्रेड डालो तो फिर ब्रेड आराम से सिक के निकलती है ब्राउन ब्राउन होके। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद लिखा है यहाँ पे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ और उपयोग। अब यहाँ पे आपको कुछ और उपयोग बताए गए हैं विद्युत धारा के, क्या बताया, कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाह होती है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा प्रवाहित होने लगती है धारा, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा तार भी अलग अलग किस्म के होते हैं, जैसे हम वायर बोलते हैं तो कुछ वायर्स आप देखेंगे, जैसे आपके एयरफोन का वायर है देखिए कितना पतला सा है, या आप चार्जर का वायर देखें, या आपके घर में जो फिटिंग हुई है आप उसका वायर देखें, या आपकी जो प्रेस है उसका वायर देखें, तो सबके वायर्स अलग अलग होंगे, यानी सबके तार अलग अलग होंगे, है ना। तब कहते हैं तब विशेष ही पिघल कर टूट जाते हैं, इतने तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज़ बनाने में किया जाता है। इसी तरह से इन्होंने बताया कि मोटे मोटे तारों का भी उपयोग किया जाता है। अब यहाँ लिखा विद्युत फ्यूज़, विद्युत फ्यूज़ है क्या, विद्युत फ्यूज़ एक सुरक्षित युक्त है, यानी कि ये एक सुरक्षा के लिए एक चीज़ बनाई गई है जो विद्युत परिपथ की क्षितिज और संभावित आग से प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। यानी हमें पता है क्योंकि अब ये जब गर्म होगा तो ये भी तो हो सकता है कि इसमें आग लग जाए, ठीक है ना, तो ये इससे सुरक्षा प्रदान करने में हमारी मदद करता है। अब आपके देखिए यहाँ आते हैं प्रश्नोत्तर, तो यहाँ क्या लिखा है, पहला लिखा है बिजली से कम 5 उपकरण की एक सूची बनाएं जिन्हें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो आप यहाँ से ही 5 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या, इन्होंने ये पूछा कि ऐसे कम से कम पाँच चीज़ें आप बताएं जो बिजली की वजह से गर्म होती हैं, ठीक है, और फिर आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आप इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर, इस्त्री, इलेक्ट्रिक रॉड या इलेक्ट्रिक हीटर। ये कमरे को गर्म करने वाला हीटर है, ये खाना बनाने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से इन 5 को लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक दीप विद्युत बल्ब को छूना
क्यों नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमें कोई दीप जो बल्ब है आपके जो येलो कलर के या फिर वाइट कलर के एलईडी बल्ब होते हैं, एलईडी तो अब इतना गर्म नहीं होते, लेकिन पहले जो आपके येलो वाले बल्ब हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे, जिसकी वजह से आपको जलने का ख़तरा रहता था। ठीक है ना, तो अब इसमें पूछा गया कि उसे क्यों नहीं छूना चाहिए, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। कि आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि यदि हम बल्ब को हाथ से छूते हैं तो हमारा हाथ जल जाएगा। क्यों? क्योंकि बल्ब जो है इलेक्ट्रिक की वजह से गर्म हो जाता है, और इसी वजह से जो आपका बल्ब है वो गर्म होगा, अगर आप उसे छुएंगे तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा। ये वजह गलत लिखा है, यहाँ पर लिखा जाएगा व ज और ह, वजह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा। जब आपका हाथ जल जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो इस वजह से हमें कभी भी बल्ब को छूना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं, यानी विद्युत फ्यूज क्या है, किसे कहा जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, साथ ही इसको वर्कशीट को हम खत्म करके इंग्लिश वाली वर्कशीट आपकी शुरू करेंगे। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर। आंसर यहाँ से लिखेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जो विद्युत के संकट को, नुकसान और इस आग वाग जो आग की संभावना है उससे हमें बचाता है, क्योंकि ये गर्म होता है। अब ये गर्म होगा तो आग लगने का खतरा रहता है ना। तो ये एक तार के ऊपर चढ़ा हुआ एक इस तरह से होल टाइप का होता है जो इस हमें नुकसान से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए अलग से भी लगाई जाती हैं जगह पे। चलिए तो अब आपका इंग्लिश की वर्कशॉप शुरू करते हैं हम लोग। ये आपकी है इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 7। तो आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, अपना क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं कि आज इस वर्कशीट में हमें क्या पढ़ना है। द फॉलोइंग टू पैसेजेस हैव बीन, तो आपको दो पैसेजेस दिए गए टेकिंग फ्रॉम द चैप्टर, चैप्टर से, कौन से चैप्टर से, 3 क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड ड्रॉ द कैरेक्टर इन द कैरेक्टर्स विल। ठीक है, यहाँ आपको कैरेक्टर विल दिया गया, इसके अंदर से आपको कैरेक्टर्स को बनाना है। देन इन इच सेक्शन राइट द अप्रोक्सीमेट वर्ड बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन फ्रॉम द हेल्प वर्ड्स हेल्प। ठीक है, आउटसाइड द बॉक्स ऑफ सर्कल। अब इन्होंने बोला कि जो आपको सर्कल दिया गया है ना, इसके आउटसाइड ही आपको बॉक्स दिए गए हैं, इनकी मदद से आपको यहाँ पे इसके आंसर्स को फिल करना है। चलिए पहले ऊपर पढ़ लेते हैं फिर इसको देखेंगे। तो आपको पहला पैराग्राफ क्या दिया गया है, पहला पैसेज जो दिया गया है क्या लिखा है, द हैरमिट लिव्ड इन द वुड विच ही नेवर लेफ्ट, He say no one but simple people and so the king put on ordinary clothes but before he reached the hermit hut the king left his horse with his bodyguard and went ऑन अलोन। यानी जो हैरमिट था वो जंगल में उस जगह पे रहता था जहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता था, और उसके अलावा वो किसी से भी नहीं मिलता था, वो सिर्फ किससे मिलता था, जो सिंपल पर्सन होते थे, वो ऑर्डिनरी लोगों से नहीं मिलता था। ठीक है, इसीलिए बादशाह ने क्या करा, वो मतलब बड़े लोगों से नहीं मिलता था, वो सिर्फ ऑर्डिनरी पर्सन से मिलता था, जो सिंपल लोग हैं, गरीब लोग हैं, है ना, जो वाकई मददगार हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, उनसे ही मिलता था। तो ये चीज़ बादशाह को पता थी, इसलिए बादशाह ने क्या करा, ऑर्डिनरी कपड़े पहने, अपना सब कुछ वहीं छोड़ दिया, और जब उसकी झोपड़ी आई हर्मिट की जो हट है उसके पहुँचने से पहले उसने अपने घोड़े और अपने बॉडीगार्ड सबको छोड़ दिया और वहाँ से वो अकेला आया। अब लिखा है एज द किंग कैम नियर द हैरमिट्स हट, जैसे ही जो बादशाह है वो उसकी झोपड़ी के पास आया हैरमिट की, ही से द हैरमिट डिजिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ द ऑफ हिज हट। यानी उसने क्या देखा कि जो हैरमिट है वो ज़मीन को खोद रहा है, कहाँ, अपनी झोपड़ी के आगे। ही ग्रीटेड द किंग टू कंटिन्यू डिजिटिंग। अब उसने मतलब बादशाह को देखा और मतलब देख के कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं करी और अपने डिजिंग यानी गड्ढा खोदने को चालू रखा। द हैरमिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हैरमिट था वो ओल्ड था और बहुत कमज़ोर भी था, एंड ही इज़ हार्ड वर्क, और वो हार्ड वर्किंग भी था। ही ब्रेथ हैवली, वो बहुत ज़्यादा मतलब जब कोई इंसान मेहनत का काम करता है तो खींच खींच के बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं ना, तो वो बहुत मेहनत का काम कर रहा था, कमज़ोर भी था, बूढ़ा भी था, इसीलिए वो बहुत खींच खींच के सांस ले रहा था। तो अब देखिए, अब आता है आपका ये सर्कल। तो अब आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, राइट द नेम ऑफ कैरेक्टर्स whom द किंग went टू विजिट, उस कैरेक्टर का नाम लिखिए जिससे बादशाह मिलने गया था। तो आपको यहाँ कुछ स्पेलिंग्स दी गई हैं, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैरमिट। तो बस आप इसमें ना सिंपल सा हैरमिट लिख लेंगे, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट जो हिस्सा है सर्कल का, यानी ये वाला पोर्शन, इसमें आपको क्या करना है, ड्रॉ स्केच हिज पिक्चर, यानी आपको यहाँ पे स्केच बनाना है या ड्रॉ करना है किसका,
जो आपका ये हेयरमेट है ना, इसकी पिक्चर्स को यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। अब आप चाहे ड्रॉ करें, चाहे कट पेस्ट करें, चाहे कॉपी मतलब फोटो कॉपी करा के पेस्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, ठीक है। अब आपका ये वाला जो कॉलम है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको उसकी क्वालिटीज़ बतानी है कि उस जो आपका कैरेक्टर है यानी कि हेयरमेट का, तो वो क्या कर रहा था। तो देखिए, सबसे पहले ओल्ड भी था तो आप ओल्ड लिख देंगे, हार्ड वर्किंग भी था, हार्ड वर्किंग भी लिख देंगे, वीक भी था तो वीक भी लिख देंगे। देखिए, जवान तो वो था नहीं तो यंग भी नहीं लिखेंगे, टाइट भी नहीं था वो, ठीक है, इनर्जेटिक भी नहीं था और वाइस था, तो आप वाइस लिख देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख देंगे क्या क्या आ जाएगा, ओल्ड, हार्ड वर्किंग, वीक, तीन ये आ जाएंगे। तो देखिए, एक दो तीन हो गए। उसके बाद आप लिखेंगे इनर्जेटिक यानी कि एनर्जी से भरा हुआ था, और वाइस था यानी पादरी था। तो इस तरह से मतलब जो सन्यासी होते हैं ना, उनको वाइस कहा जाता है। तो अब ये पांच लिख देंगे, 20 से यंग और टाइट दोनों को काट देंगे, ठीक है। अब आपका लास्ट वाला जो है, इस कॉलम में आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखना है कि वो क्या कर रहा था। तो देखिए, एक तो वो डिजिंग कर रहा था यानी गड्ढा खोद रहा था, उसने ग्रेडेड किया यानी उससे दोस्त मिला, और उसके बाद वो दोबारा से अपने काम में लग गया। तो आप तीन लिखेंगे, इसमें से जंपिंग को आप काट देंगे, ठीक है। तो आप इन तीनों को यहाँ लिख लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने ना इसको एडिट इसी वजह से नहीं किया है, क्योंकि एडिट करने पे बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाता है, तो फिर आपको देखने में प्रॉब्लम होती है। चलिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर बी लिखा है, नाउ विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर व्हील, यानी आपका जो ऊपर कैरेक्टर व्हील्स था उसकी मदद से, लेट अस ट्राई टू स्केच हेलमेट कैरेक्टर बाय चूजिंग करेक्ट एडजेक्टिव्स। अब हमें क्या करना है कि चूजिंग करेक्टर, जो आपकी हेलमेट की कैरेक्टरिस्टिक थी, कि हेलमेट कैसा किरदार था, किस तरह से उसने अपना रोल प्ले करा है, आप उसके बारे में ऊपर सर्कल से देख के लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, द हेलमेट वॉज अ क्या था, वाइज मैन, ठीक है। तो फुलिश तो बेवकूफ़ तो था नहीं, वाइज था, ठीक है, यानी कि एक सन्यासी था वो। ही वॉज ओल्ड एंड वीक, वो बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था। ही लिव्ड इन द वुड एंड एज वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वो कहाँ, जंगलों के बीच में रहता था और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। अब आपका यहाँ लिखा है मेक्स अ सिमिलरली चार्ट व्हील, अब आपको सेम ऐसे ही एक चार्ट व्हील बनाना है, द किंग एंड ट्राई टू राइट फ्यू लाइन्स अबाउट हिम। अब आपको ऐसे ही एक किंग का यानी बादशाह का भी इसी तरह से एक चार्ट बनाना है और उसके बाद उसको फिलअप करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, अब आपका हमने यहाँ पे किंग का फोटो लगा दिया, यहाँ हमने किंग लिख दिया है, ठीक है। अब आप चाहे तो जैसे वाइस मैन का था हेलमेट का, कि पहले यहाँ हेलमेट लिखा था, यहाँ फोटो लगा था, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप इस फोटो को इधर करके नाम इधर लिख दें, चाहे आप फोटो इधर रह के नाम भी इधर ही रहने दें, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, उसके बाद बताया था कि उसके अंदर उसका कैरेक्टर कैसा था। तो देखिए, वो यंग था, काइंड यानी दयालु भी था और ईमानदार भी था, ठीक है। जो उसने वादा किया वो उसने पूरा भी किया, और जब घायल आदमी आया तो उसने उसकी मदद भी की, ठीक है ना। इसके बाद वो क्या क्या कर रहा था, तो देखिए, वो राइडिंग कर रहा था, घोड़ा चढ़ा के आया था, फिर उसने डिजिंग करी यानी हेलमेट के साथ गड्ढा खोदा, और उसके बाद जब वो मरा हुआ मतलब घायल व्यक्ति आया तो उसने उसको क्या करा, उसको ट्रीटमेंट भी किया। तो इस तरह से आप इसको की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं आज की वीडियो में, बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।